हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अनुज कुमार एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन एबीसीआईटी गाजियाबाद। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मॉड्यूल 5 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है ना वेक्टर की जो होती है, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट है ना, वो हमने डिस्कस किए थे। और आज हम अपना जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें आपका आता है मॉड्यूल 5 में ग्रेडियंट, ठीक है। और फिर ग्रेडियंट से रिलेटेड होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जो कि इसके पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम ग्रेडियंट पढ़ेंगे, लेकिन ग्रेडियंट से पहले मुझे आपको स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन के बारे में बताना पड़ेगा, है ना। देखिए ज़रा क्या होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। स्केलर से नाम से ही क्लियर है, जैसे मैंने स्केलर फंक्शन लास्ट लेक्चर में बताया था, सेम ही होता है। एक ऐसा एक्स वाई जेड का फंक्शन जिसमें आई जे के इन्वॉल्व ना हो वो स्केलर फंक्शन कहलाएगा, और एक ऐसा फंक्शन एक्स वाई जेड का जिसमें आई जे के इन्वॉल्व हो वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहलाएगा। सिंपली देखा जाए तो ये डेफिनेशन होती है, लेकिन अगर डिफाइन करें तो लेट आर बी द रीजन ऑफ स्पेस एट ईच पॉइंट ऑफ विच ए स्केलर फाई। कोई आर हमारा रीजन है किसी स्पेस का, ठीक है, जिसके प्रत्येक पॉइंट पर एक स्केलर फंक्शन फाई जो है वो हमें गिवन होता है, जो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। अगर ये प्रत्येक पॉइंट पर आपको फाई फंक्शन दिया है एक्स वाई जेड के लिए, वेरिएबल के लिए, तो यही जो फंक्शन हमारा कहलाता है ये स्केलर पॉइंट फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। और आर यहाँ पे स्केलर फील्ड कहलाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिख रखा है यहाँ पर फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या कोई भी एग्जांपल आप बना सकते हो कि एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। जिस फंक्शन में एक्स वाई जेड के फंक्शन में आई जे के इन्वॉल्व नहीं होंगे वो हमारा कहलाता है स्केलर फंक्शन। फिर आता है हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ओके। वेक्टर में क्लियर सी बात है कि आई जे के इन्वॉल्व रहेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में वही लिखा है कि आर अगर हमारा कोई रीजन है किसी स्पेस का जिसके प्रत्येक पॉइंट पर एक वेक्टर डिफाइन हो, है ना, और वो वेक्टर है हमारा वेक्टर वी, ठीक है। और वेक्टर वी किसका फंक्शन है, यहाँ पर एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ठीक है। ये वेक्टर है तो आई जे के इन्वॉल्व रहेंगे और ये हमारा एक्स वाई जेड की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। यानी कि कुछ टर्म एक्स वाई जेड की इंटू आई, कुछ टर्म एक्स वाई जेड की इंटू जे, है ना, और प्लस कुछ टर्म एक्स वाई जेड की इंटू के, ये बनेगा हमारा, ये हमें गिवन है। तो इस केस में जो वी हमने फंक्शन डिफाइन किया है ये कहलाता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और आर हमारा कहलाएगा यहाँ पे वेक्टर फील्ड, ओके। जैसे कि एग्जांपल में हमने लिख रखा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग फ्लूड, अगर आप वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, किसी मूविंग फ्लूड के लिए, कोई फ्लूड जो है जो बह रहा है उसकी वेलोसिटी की अगर बात करें किसी इंस्टेंट टाइम पर, ठीक है, तो वो हमेशा एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइन करेगी, ठीक है। वो हमेशा क्या करेगी, वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइन करेगी, और ये हमेशा किस फॉर्म का होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा v इक्वल टू वी वन एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा इंटू आई कैप प्लस वी टू एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा इंटू जे कैप प्लस वी थ्री एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा इंटू के कैप। वेक्टर है तो उसमें आई जे के इन्वॉल्व होंगे और ये हमारा एक एक्स वाई जेड का ही फंक्शन होगा, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। फिर हम डिफाइन करते हैं ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट जो डिफाइन होता है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन, जो ऊपर मैंने समझाया फाई जिसमें खाली एक्स वाई जेड के फंक्शन होता है, उसमें आई जे के नहीं होते, है ना। तो इस तरह के फंक्शन के लिए हम ग्रेडियंट डिफाइन करते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है समझिए ज़रा, ये एक तरह का ऑपरेटर ही है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी दूंगा, ठीक है। तो ये है हमारा ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड या स्केलर पॉइंट फंक्शन। किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए आप ग्रेडियंट डिफाइन कर सकते हो। वो क्या है देखिए ज़रा, हमने यहाँ पे बोल दिया कि हमारा कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड जो कि एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। एफ एक्स वाई जेड हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तब हम इसका ग्रेडियंट डिफाइन कर सकते हैं। देन ग्रेडियंट ऑफ एफ इज़ डिफाइन बाई, इसका जो ग्रेडियंट है वो हम डिफाइन करते हैं डेल एफ से। ये डेल होता है नेबला, ये एक ऑपरेटर होता है जिसको मैं नीचे डिफाइन करूँगा, है ना। डेल एफ से डिनोट करते हैं,
और डेल की अगर बात करें तो ये एक तरह का इस तरह का ऑपरेटर होगा कि आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये डेल की वैल्यू होती है और एफ आपका बाहर दिया हुआ है। जब हम एफ को अंदर लेके जाएंगे तो आई कैप ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई हो जाएगा प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है हमारी ग्रेडियंट की, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, ये डेफिनेशन किसकी होगी? ग्रेडियंट की। और यहाँ पे जो डेल डेल होता है वेयर, ये एक वेक्टर ऑपरेटर होता है ना, वेयर वेक्टर ऑपरेटर। ठीक है, ये सिंबल जो होगा ये हमारा ऐसा ऑपरेटर होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, याद रखेंगे, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये कहलाता है हमारा इज कॉल्ड, ये जो वेक्टर ऑपरेटर है यही कहलाता है हमारा डेल, इसको नेबला भी बोलते हैं, एन ई बी एल ए, नेबला, नेबला ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारी डेल की डेफिनेशन होती है जिसको आप नेबला या डेल ऑपरेटर बोलते हैं। ये डेफिनेशन 2018 के पेपर में आई थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, 2018 में ये दो नंबर में आई थी, डेल की डेफिनेशन और ग्रेडियंट की डेफिनेशन। प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको दिखेगी जरूर ये। ये हमारे ग्रेडियंट की डेफिनेशन है। तो ग्रेडियंट क्या होता है? एक तरह का क्या होगा कि अगर ग्रेडियंट किसी फंक्शन का निकालना है तो उसके ऊपर हमें डेल ऑपरेटर लगाना होता है, डेल की डेफिनेशन रखते हैं जो हमने बताई है, इनटू में एफ होगा, है ना। और जब एफ अंदर जाएगा तो प्रत्येक डेरिवेटिव के साथ ऑपरेट होके ये मिलेगा आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई, के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे। अब इसको मैं एग्जांपल में बताता हूँ आपको और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बताता हूँ। अगर आपको ग्रेडियंट निकालना आ जाए तो उसमें हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी डिफाइन करते हैं। यूनिट नॉर्मल वेक्टर, अगर आपको मान लो कोई सरफेस दिया है फाई, है ना, मतलब फाई आपको एक्स वाई जेड का फंक्शन दिया है जो किसी सरफेस को डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसके लिए आप यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर सकते हो सरफेस के, और उसका फॉर्मूला होता है एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर के लिए। और इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट फाई निकालेंगे और नीचे उसका मॉडुलस निकालेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट फाई अपॉन उसका मॉडुलस, जैसे कि वेक्टर के लिए आपने यूनिट वेक्टर निकालना सीख रखा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए पे वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस, तो उसी को यूज करते हुए हमने स्केलर फंक्शन फाई के लिए यानी कि सरफेस के लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपको बताया है, जिसका फॉर्मूला ये मैंने बॉक्स में बंद कर रखा है, इसको याद रखेंगे, इसका यूज है, दो नंबर में क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, फिर इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टी नंबर वन ये है कि अगर एफ और जी हमारे दो स्केलर पॉइंट फंक्शंस है, तब आप उसमें ये रिलेशन हमेशा यूज कर सकते हो कि अगर हम एफ प्लस जी का ग्रेडियंट निकालें तो वो ग्रेडियंट एफ प्लस ग्रेडियंट जी होता है, या एफ माइनस जी का ग्रेडियंट निकाले तो ग्रेडियंट एफ माइनस ग्रेडियंट जी होता है। मतलब ये डेल जो है तीन दोनों फंक्शन पर ऑपरेट हो जाता है। फिर अगर ग्रेडियंट निकाले आप एफ इंटू जी का, तो उसमें जैसे वेक्टर डिफरेंशिएशन है एक किस्म का, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन वाला ही फॉर्मूला लगेगा कि एफ को एज इट इज, सॉरी, फॉर्मूला आपका क्या होगा, एफ को एज इट इज और ग्रेडियंट जी का प्लस ग्रेडियंट एफ का और जी को एज इट इज, जैसे बाई पार्ट आप डिफरेंशिएशन करते हो वही रूल इसमें लग जाता है। सेम तरीके से आपका ग्रेडियंट अगर एफ अपॉन जी पर लगे और जी जीरो के बराबर ना हो तो उसमें भी हमारा जो फॉर्मूला होता है वही यूज होता है, डिनोमिनेटर की पावर टू, डिनोमिनेटर इंटू ग्रेडियंट एफ माइनस एफ इंटू ग्रेडियंट जी। जो हमारा सिंपल फंक्शन के लिए आप डिफरेंशिएशन का रूल लगाते हैं वही ग्रेडियंट के लिए लगाते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट भी यहाँ पे एक तरह का डिफरेंशियल ऑपरेटर ही है, इसलिए डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज में ज़्यादातर लगती है। अगर ग्रेडियंट सी एफ का निकालना है, सी कॉन्स्टेंट है तो सी बाहर आ जाता है और एफ का ग्रेडियंट निकल जाता है। और जैसे डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट फंक्शन का जीरो होता है, ऐसे ही किसी कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्रेडियंट भी जीरो होता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे। इसमें दो नंबर वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं पहले, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर वन में निकालूंगा यहाँ पर।
ये दो नंबर में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन भी आपका एक बार आ रखा है एग्जाम में, है ना, AKTU 2012 में पूछा गया था, दो नंबर में। हमें करना क्या है, एक फंक्शन फाई दिया है और इसका ग्रेडियंट निकालना है इस पॉइंट पर जो पॉइंट हमें गिविन है। तो सबसे पहले जो फंक्शन गिविन है उसको हम लिख लेंगे, गिविन आपको फाई 3x² y माइनस वाई की पावर 3z². तो जो ग्रेडियंट की डेफिनेशन है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। देन अगर आप ग्रेडियंट निकालते हो फाई का जो आपको पूछा है, तो डेफिनेशन ये कहती है कि डेल फाई होगा, और डेल फाई का मतलब क्या होता है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड इंटू में फाई। जब फाई अंदर ऑपरेट करेगा तो आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई, और के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, जो ग्रेडियंट की डेफिनेशन है वो मैंने रख दी। यानी कि आपको अब क्या करना है, अगर फाई का ग्रेडियंट निकालना है तो आपको फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे रखना पड़ेगा, फाई का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके यहाँ रखेंगे, और फाई का जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा भाई, जब आप आई कैप तो एज इट इज़ रहेगा, जब आप फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो सभी को पता है कि वाई और जेड कॉन्स्टेंट का काम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म के लिए वाई तो कॉन्स्टेंट है, और 3x² का हो जाएगा 6x, फिर माइनस वाई भी कॉन्स्टेंट है जेड भी कॉन्स्टेंट है तो -0 आएगा, फिर प्लस जे कैप, फाई का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट रहेंगे एज यूजुअल, जैसे कि आपको पता है। वाई के रेस्पेक्ट में अगर करोगे तो 3x² कॉन्स्टेंट होगा वाई का 1, ठीक है, माइनस, और z² भी वहाँ पर कॉन्स्टेंट है, और y की पावर 3 का 3y² z², ठीक है। फिर लास्ट टर्म निकाल लेते हैं, प्लस k कैप। अब करेंगे फाई का z के रेस्पेक्ट में, यदि फाई का z के रेस्पेक्ट में करोगे तो x y कॉन्स्टेंट होगा, तो 3x² y कॉन्स्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, माइनस y की पावर 3 कॉन्स्टेंट है और z² का 2z, यानी कि 2y³ z आपको मिलेगा। ग्रेडियंट निकल गया आपका, लेकिन आपको पूछा था ग्रेडियंट 1-2-1 पॉइंट पर, ऊपर देख सकते हैं आप, है ना, एट 1-2-1 पॉइंट पर। यदि इस पॉइंट पर आपको ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है, तो बहुत सिंपल काम है कि जो हमारा ग्रेडियंट ऊपर आया है इसमें एक्स की जगह पे 1 रख देंगे, y की जगह पे -2 रख देंगे, और z की जगह पे -1 रखेंगे, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। जब x को 1 और y को -2 रखोगे तो ये -12i मिलेगा आपको फर्स्ट टर्म से। जब x को 1 और y की और z की वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ से आपको -9j मिलेगा, और ऐसे ही आपको -16k मिलेगा। ठीक है, और यही आपका दो नंबर में आपसे पूछा था कि ग्रेडियंट निकालो जैसे हमने निकाला है। ओके, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कि आप यूज करके ग्रेडियंट निकाल सकते हो किसी भी स्केलर फंक्शन का जो कि सरफेस को डिफाइन करता है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, है ना। AKTU 2005 में, 2010 में और 2015 तीन बार ये आ चुका है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें u, v और w तीन फंक्शन आपको दिए हैं जिनको मैं लिख देता हूँ। u की वैल्यू x+y+z, v की वैल्यू x² + y² + z², w की वैल्यू yz+zx+xy। ये तीन u, v, w दिए हैं। पहले तो उसने कहा है कि पहले आप ग्रेडियंट निकालो u का, फिर ग्रेडियंट निकालो v का, और ग्रेडियंट w निकालो। तीनों को ग्रेडियंट निकाल के तीन वेक्टर बनेंगे, फिर हमें उन तीनों वेक्टर को कोप्लेनर वेक्टर दिखाना है। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो जो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है वो 0 के बराबर होती है। यानी कि पहले हम ग्रेडियंट u, ग्रेडियंट v और ग्रेडियंट w निकालेंगे, फिर इनकी तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 दिखाएंगे,
तब ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ होगा। हम दिखा देंगे कि ग्रेडियंट यू, ग्रेडियंट वी और ग्रेडियंट डब्ल्यू तीनों कोप्लेनर वेक्टर है। चलिए देखिए, पहले ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है हमारा, है ना, वो यूज करेंगे। अगर आप निकालते हो यू का ग्रेडियंट, ठीक है, तो जो जैसे ऊपर फॉर्मूला बनाया था सेम तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, आई कैप डेल यू अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल यू अपॉन डेल वाई, के कैप डेल यू अपॉन डेल जेड। सबकी वैल्यू रख देंगे, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, यू का वाई के रेस्पेक्ट में, यू का जेड के रेस्पेक्ट में। और ध्यान रखना पार्शियल डिफरेंशिएशन है, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट होंगे, ठीक है। तो इससे आपको मिलेगा आई कैप इंटू वन, जे कैप इंटू वन प्लस के कैप इंटू वन, तो ग्रेडियंट यू निकल गया हमारा। फिर हम इसमें निकालेंगे ग्रेडियंट वी, और ग्रेडियंट वी का मतलब डेल वी, और इसका फॉर्मूला बनेगा आई कैप डेल वी अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल वी अपॉन डेल वाई और के कैप डेल वी अपॉन डेल जेड। जब आप वी का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट होगा, तो टू एक्स आई कैप, ऐसे ही टू वाई जे कैप और टू जेड के कैप। जैसे कि आप पार्शियल डिफरेंशिएशन सीख चुके अच्छे से, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने यूज किया और सबकी यहाँ पर वैल्यू मैंने रख दी। फिर निकालेंगे ग्रेडियंट डब्लू का, यानी कि ग्रेडियंट डब्लू फॉर्मूला बनेगा आई कैप डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल डब्लू अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल डब्लू अपॉन डेल जेड, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा बनेगा जब डब्लू का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, ठीक है, तो वाई जेड का जीरो कॉन्स्टेंट रहेगा, है ना, और यहाँ से मिलेगा आपको जेड प्लस वाई। ऐसे ही जे कैप जब डब्लू का वाई के रेस्पेक्ट में होगा तो एक्स और जेड कॉन्स्टेंट होगा, है ना, तो जेड प्लस एक्स मिलेगा। फिर जब डब्लू का हम जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट होंगे, तो यहाँ से मिलेगा वाई प्लस एक्स। तो जी, आपने ग्रेडियंट यू, ग्रेडियंट वी, ग्रेडियंट डब्लू निकाल लिया। अब हमें दिखाना है कि तीनों वेक्टर जो हमने बनाए हैं ये कोप्लेनर वेक्टर है, तो बाय द डेफिनेशन इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे और उसको हम जीरो के बराबर दिखा देंगे, ठीक है। चलिए नाउ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं हम ग्रेडियंट यू, ग्रेडियंट वी की और ग्रेडियंट डब्लू की। यदि इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं तो आप सभी को पता होगा ये होता है आपका, फॉर्मूला बता देता हूँ, ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है ए डॉट बी क्रॉस सी, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर यही फॉर्मूला लगेगा तो ये आएगा ग्रेडियंट यू की डॉट प्रोडक्ट ग्रेडियंट वी और ग्रेडियंट डब्लू की क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, और इसके लिए मैंने बताया था कि हमें एक डिटर्मिनेट बनाना पड़ता है जिसमें हम ए के भी कंपोनेंट, बी के कंपोनेंट और सी के कंपोनेंट रखते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट यू के कंपोनेंट 1 1 1 है, ग्रेडियंट वी के कंपोनेंट 2x 2y और 2z है, और ग्रेडियंट डब्ल्यू के कंपोनेंट है हमारे जेड प्लस वाई और जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। और इस तरह के जैकोबियन में भी मैंने आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखा दिया है। जब इस तरह के दो वन बन जाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, दो को जीरो बनाते हैं, और जीरो बनाने के लिए हम क्या ऑपरेशन यूज करेंगे, यहाँ पर सी टू में चेंज कर देंगे, सी टू में से सी वन घटा देंगे, और सी थ्री में चेंज कर देंगे, सी थ्री में से सी वन घटा देंगे, ठीक है। अगर सी थ्री में से सी वन घटाएंगे तो सी वन तो सेम रहेगा इस तरीके से, ठीक है। वन माइनस वन जीरो, और ये मिलेगा टू इंटू वाई माइनस एक्स, और ये मिलेगा जेड प्लस एक्स में से जब आप माइनस जेड माइनस वाई करोगे तो जेड से जेड कटेगा, और यहाँ से आपको मिलेगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये आपको एक्स माइनस वाई मिल जाएगा। फिर आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर जब आप 1-1 जीरो करेंगे इसको, है ना, तो इससे आपको मिलेगा जेड टू इंटू जेड माइनस एक्स,
है ना। और ये मिलेगा आपको y प्लस एक्स में से, जब z प्लस वाई घटाओगे तो यहाँ से आपको मिलेगा y प्लस एक्स माइनस जेड माइनस वाई, यानी कि x माइनस जेड आपको मिलेगा। बस ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बन गया, इसको सॉल्व कर दो आप, हो गया काम हमारा। 2 into y minus x, इसको अंदर ही रहने देता हूँ अभी। यहाँ से मिलेगा 2 into y minus x, 2 into z minus x, है ना, और ये x माइनस वाई और x माइनस जेड। और अगर देखा जाए तो कुछ कॉमन आएगा, 2 into y minus x तो पहले कॉलम से कॉमन ले लो तो 1 minus 1 बचा, और 2 into z minus x दूसरे कॉलम से कॉमन ले लो तो 1 minus 1 बचा। और इसको सॉल्व करके क्या आएगा हमारा, 2 into 2 4 हो जाएगा, y minus x z minus x, और ये आपको देगा -1 + 1, सॉल्व करके 0 आएगा। इसका मतलब जो आपने ग्रेडियंट निकाला है, ठीक है, इसका मतलब ये जो आपने इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट निकाली है, किसकी, ग्रेडियंट u की, ग्रेडियंट v की, है ना, और ग्रेडियंट w की, तो वो हमारी 0 के बराबर आई है। और अगर ये 0 के बराबर आता है तब आप कह सकते हैं कि जो तीनों वेक्टर है, हैंस द वेक्टर्स, ये जो तीनों वेक्टर्स हमारे आए हैं, पहला वेक्टर है ग्रेडियंट u, दूसरा वेक्टर है ग्रेडियंट v, और तीसरा वेक्टर है ग्रेडियंट w, आर कोप्लेनर। ये सभी वेक्टर्स, तीनों जो वेक्टर है ये कोप्लेनर वेक्टर है, यानी कि एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने इंटर में इस तरह के क्वेश्चन किए थे, तो वही मैंने इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 दिखा के इनको कोप्लेनर दिखाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी भी है देखा जाए तो, ठीक है। फिर हम इसमें आगे चलते हैं भाई, फिर हमें इसमें निकालना है फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस दिस, ठीक है। हमें क्या करना है, ये सरफेस दिया है और इसके लिए मुझे यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, ठीक है। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर किसी सरफेस के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, ठीक है, उसी का यूज करते हुए ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम निकाल देंगे, ठीक है। तो जो सरफेस दिया है, सबसे पहले इसको फाई के बराबर मान लेता हूँ, ये दिया आपको एक्स वाई की पावर 3 जेड स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 बन जाएगी। फिर हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है इसके लिए, है ना, पहले ग्रेडियंट फाई निकालना पड़ेगा। ग्रेडियंट फाई का जो फॉर्मूला होता है, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई, और के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। सब की वैल्यू रख दीजिए, अगर सब की वैल्यू रखते हैं तो फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में जब करोगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट होंगे, तो वाई की पावर 3 जेड स्क्वायर और एक्स का 1 हो जाएगा। फिर फाई का वाई के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो एक्स और जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट होंगे और वाई की पावर 3 का 3y² हो जाएगा। फिर ऐसे ही k कैप जब z के रेस्पेक्ट में करोगे तो xy कांस्टेंट होंगे, यानी कि x y की पावर 3 कांस्टेंट होगा और z स्क्वायर का हो जाएगा इनटू में 2z। लेकिन आपको ग्रेडियंट निकालना है किस पॉइंट पर, -1 -1 2 पॉइंट पर, देन तो ग्रेडियंट फाई अगर आप इस पर निकालोगे तो इसमें x की जगह पे -1, y की जगह पे -1 और z की जगह पे 2 आप रख देंगे, ठीक है। जब आप इसमें x की जगह पे, y की जगह पे, z की जगह पे -1 रखोगे तो ये मिलेगा i कैप, y की जगह पे -1 रखने पर -1 आएगा वहाँ से, पावर 3 है, और z की जगह पर 2 रखने पर वो मिलेगा आपको 4 z का स्क्वायर। फिर ऐसे ही प्लस j कैप, इसमें भी 3 x की जगह पे -1 और ये -1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, और प्लस k कैप x की जगह पे -1 की पावर 3 into 2 into 2, सॉल्व करके आएगा -4 आई कैप, और यहाँ से मिलेगा आपको 4 into 3 12, यानी कि -12 जे कैप, है ना। और फिर यहाँ से आपको मिलेगा -, प्लस हो जाएगा और ये +4 के कैप, ठीक है। हैंस यूनिट नॉर्मल वेक्टर
टू द सरफेस, जो ऊपर फॉर्मूला बताया मैंने वो यहाँ पर यूज कर देंगे। यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया है एन कैप इक्वल टू ग्रेडियंट फाई अपॉन इसका मॉडुलस, जस्ट ऊपर बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ग्रेडियंट फाई और इसका मॉडुलस हम निकाल देंगे तो आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा इस सरफेस के लिए, इस पॉइंट पर जो हमें पॉइंट दिया है ना। तो ग्रेडियंट फाई की वैल्यू है माइनस फोर आई कैप माइनस ट्वेल्व जे कैप और प्लस फोर के कैप, और अपॉन में आएगा इसका मॉडुलस। जब वेक्टर का मॉडुलस निकालते हैं तो कैसे करेंगे भाई, माइनस फोर का स्क्वायर प्लस माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, है ना। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा भाई, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, 16 144 और ये 16, है ना। तो सॉल्व करके हमारा कितना आएगा भाई, ये 144 6 150 160 176 176 अंडर रूट में आ जाएगा, माइनस फोर आई कैप माइनस ट्वेल्व जे कैप प्लस फोर के कैप, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा भाई, अंडर रूट को चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, आगे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ये हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने का बहुत सिंपल सा फंडा है कि जो फंक्शन दिया है सरफेस के लिए फाई मान लेंगे, उसको ग्रेडियंट निकाल देंगे उस पॉइंट पर, और फिर ये एन कैप का फॉर्मूला ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट फाई ये यूज करेंगे तो आपको इस सरफेस के लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे ग्रेडियंट के और उसके कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब इसमें एक तरह का वेरिएशन और बचा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्वेश्चन होते हैं आर के लिए, जिसका काफ़ी यूज है आके, ध्यान रखना इनमें से कोई ना कोई पार्ट आता रहता है। एक दो क्वेश्चन मैंने नोट्स में भी दे रखे हैं इस तरह के, जिनको आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2012 2013 या 2015 कोई सा ना कोई सा पार्ट इनमें से किसी ना किसी ईयर में आता है, और सभी का सेम कंसेप्ट है। ये होता है पोजिशन वैक्टर से रिलेटेड, ओके। जैसे कि यहाँ पे आर, आपको पोजीशन वेक्टर पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था पोजीशन वेक्टर क्या होता है ना। तो आर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये किसी पॉइंट के लिए हम जनरल पोजीशन वेक्टर मानते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और ये भी बताया था कि इस वेक्टर का अगर मॉडुलस निकालें तो वो सिंपल आर होता है, ठीक है। देन तब हमें प्रूफ करके लाने हैं तीन रिलेशन, ठीक है, जिसमें से जब हम कर्ल और डाइवर्जेंट आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, ध्यान रखना, ये वाला सबसे ज़्यादा यूज होगा, तो वहाँ पे इस आपको हेल्प मिलेगी यदि आप इसको यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी आर वाले क्वेश्चन दिए होते हैं तो उसमें कुछ इस तरीके से करते हैं कि पहले आर को लिख लेते हैं एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, फिर चूँकि इसका जो मॉडुलस है वो सिंपल आर है, और मॉडुलस आप निकालना चाहते हो अंडर रूट आई का कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर। इसका मतलब, इसको मैं इक्वेशन वन डाल देता हूँ, इसका मतलब अगर मैं आर स्क्वायर निकालूँ तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बनेगा, इक्वेशन टू हमारी बन जाएगी, ठीक है। दो रिलेशन हमने पता लग गए। अब इसमें ध्यान रखना है, जो स्टार्टिंग में हम चीज़ें निकाल रहा हूँ उनकी ज़रूरत पड़ती है, जब भी आर वाला क्वेश्चन होगा तो ये दो तीन इक्वेशन तो उसमें ज़रूर बनाएंगे हर बार आप, ठीक है ना। फ्रॉम टू, अगर इक्वेशन टू का डिफरेंशिएशन करूँ मैं एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली, तो ये होगा आर स्क्वायर का टू आर, और आर का जब दोबारा एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे वो आएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, ठीक है। जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे वाई जेड कॉन्स्टेंट होगा, तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है जीरो, जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट है जीरो, तो यहाँ से आपको डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मिलेगी जो आएगी एक्स अपॉन आर। सिमिलरली इसी फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में अगर करते हो तो डेल आर अपॉन डेल वाई भी मिल जाएगा वाई अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड भी मिल जाएगा जेड अपॉन आर। इनको डाल देंगे इक्वेशन थ्री। जब भी क्वेश्चन में आर लिखा होगा इस तरीके से पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड, तो ये जो मैंने तीन इक्वेशन बनाई है ये आप हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बना देंगे, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, ये इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई आपको। अब क्वेश्चन उठाता हूँ मैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में दिया है कि ग्रेडियंट निकालना है एफ आर फंक्शन का। नाउ
मुझे ग्रेडियंट फाइंड करना है एफ आर फंक्शन का, कोई आर का फंक्शन है, तो जब एफ आर का ग्रेडियंट फाइंड करूँगा तो फॉर्मूला डेल के लिए आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड और बाहर रहेगा एफ आर। अब मैं एफ आर को अंदर लेके जाऊँगा, यदि एफ आर को अंदर ले जाता हूँ तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स और एफ आर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर जे कैप डेल अपॉन डेल वाई एफ आर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और के कैप डेल अपॉन डेल जेड एफ आर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारे ऑपरेटर ही हैं, पार्शियल ऑपरेटर जो आप पढ़ चुके हो। अब हम एफ आर का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब चूँकि आर हमारा यहाँ पे एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो तीनों के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा, है ना। कैसे होगा, आई कैप एफ आर का हो जाएगा एफ डैश आर, लेकिन आर का जब दोबारा करोगे तो वो होगा डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जी कैप एफ आर का होगा एफ डैश आर, और आर का जब वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के कैप, और जब एफ आर का करोगे तो एफ डैश आर, और आर का जब दोबारा होगा तो डेल आर अपॉन डेल जेड। क्योंकि आर हमारा एक्स वाई जेड का फंक्शन है इसलिए हम आर का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में दोबारा करेंगे। अब इन सब की वैल्यू आपने निकाल रखी है इक्वेशन नंबर थ्री में, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। ये हो जाएगा आई कैप एफ डैश आर, इसकी वैल्यू है एक्स अपॉन आर, जे कैप एफ डैश आर, इसकी वैल्यू है वाई अपॉन आर इक्वेशन थ्री से, और के कैप एफ डैश आर, इसकी वैल्यू है जेड अपॉन आर लिख देंगे फ्रॉम थ्री इक्वेशन मैंने यहाँ पर यूज की है। जो कॉमन आए कॉमन निकाल देंगे, एफ डैश आर भी कॉमन है और अपोन में ये आर भी कॉमन है, अंदर बचेगा आई कैप एक्स, जे कैप वाई और के कैप जेड। और अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये वैल्यू इक्वेशन वन से वेक्टर आर की बनेगी, एफ डैश आर अपोन आर, और ये हो जाएगा वेक्टर आर। ये होता है ग्रेडियंट किसी आर के फंक्शन का, ठीक है। तो यही हमें शायद प्रूफ करना था, इसमें आप देख सकते हैं एफ डैश आर और ग्रेडियंट ऑफ आर, यह हमें प्रूफ करना था। ग्रेडियंट आर का मतलब क्या होगा, ग्रेडियंट आर ग्रेडियंट आर तो नहीं होना चाहिए, देख लेता हूँ, मिस प्रिंटिंग है, ग्रेडियंट आर नहीं आएगा यहाँ पे, आएगा वेक्टर आर अपॉन इसका मॉडुलस। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं एफ डैश आर, और ये आर कैप की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो ऐसा भी प्रूफ में आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी वेक्टर है ना और उसका मॉडुलस वो एक यू नॉर्मल वेक्टर बनाता है, जिसको ए कैप की जगह पे आर कैप यहाँ पे यूज करूँगा मैं, है ना। तो ये वैल्यू हमारी आर कैप की भी लिख सकते हो आप, एफ डैश आर आर कैप। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रूफ है वो है ग्रेडियंट आर की पावर एन का प्रूफ करके ये लाना है हमें, है ना। बिल्कुल सेम तरीके से होगा, एग्जाम्पल टू इसका जो है पार्ट टू पार्ट का देख लेते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे। अब हमें निकालना है ग्रेडियंट आर की पावर एन का, यानी कि ग्रेडियंट यानी कि डेल आर की पावर एन, और डेल की डेफिनेशन होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और बाहर आ जाएगा आर की पावर एन। और जब आप इसमें अंदर ले जाओगे आर की पावर एन को तो डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर एन का डिफरेंशिएशन, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई आर की पावर एन का डिफरेंशिएशन, और के कैप डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर एन का डिफरेंशिएशन। और कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, बहुत सिंपल है कि आर की पावर एन का एन आर की पावर एन माइनस वन, और आर का जब दोबारा करोगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, ऐसे ही प्लस जे कैप आर की पावर एन का एन आर की पावर एन माइनस वन, आर का दोबारा करने पर डेल आर अपॉन डेल वाई, क्योंकि आर जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन है इसलिए आर का दोबारा होता है, के कैप आर की पावर एन का एन आर की पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल जेड।
इसमें से जो कॉमन है कॉमन निकाल लूँगा, एन आर की पावर एन माइनस वन तो कॉमन है, ठीक है। अंदर बचेगा आई डेल आर अपॉन डेल एक्स, जे डेल आर अपॉन डेल वाई और के डेल आर अपॉन डेल जेड। और अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो इक्वेशन थ्री में मैंने ऊपर इनकी वैल्यू निकाल रखी है, वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। आई कैप इसकी वैल्यू एक्स अपॉन आर है, जे कैप इसकी वैल्यू वाई अपॉन आर है, के कैप इसकी वैल्यू जेड अपॉन आर है। इनमें से आर कॉमन आ जाएगा, है ना। अंदर बचेगा आपका एन माइनस वन अपॉन आर, अंदर बचेगा एक्स आई कैप, है ना, वाई जे कैप और जेड के कैप, और ये होती है वेक्टर आर की वैल्यू, है ना। ये मिलेगा एन आर की पावर एन माइनस टू और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी वेक्टर आर की, ठीक है। और शायद यही प्रूफ करना था, या कभी कभी हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये हो गया एन आर की पावर एन माइनस वन और ये हो गया वेक्टर आर अपॉन आर, और वेक्टर आर अपॉन आर क्या होता है, एन आर की पावर एन माइनस वन आर कैप, ठीक है। तो कोई भी प्रूफ पूछा जा सकता है, या तो ये पूछा जाएगा कैप की फॉर्म में तो ऐसे लिख देंगे, या फिर आर से आर की आर को ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से लिख देंगे। दोनों को आप याद रख सकते हैं, है ना। यानी कि जो ग्रेडियंट होता है इसका यूज होगा, याद रखना इसको, ग्रेडियंट आर की पावर एन का होता है वो होता है एन आर की पावर एन माइनस वन, जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, और आर का कैप, ये ग्रेडियंट होता है भाई, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बताया। और आर कैप की अगर वैल्यू रख दोगे, है ना, आर कैप की वैल्यू होती है वेक्टर आर अपॉन इसका मॉडुलस, तो ये यही प्रूफ आ जाएगा जो हमने प्रूफ किया है, ठीक है जी। तो यही हमें प्रूफ करना था, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका दूसरा प्रूफ हो जाएगा, जैसे कि आपने समझा है। फिर हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं लॉग आर की पावर एन का, बिल्कुल सेम तरीके से, है ना। कैसे करेंगे देखो ज़रा, थर्ड पार्ट भी देख लीजिए इसका। ग्रेडियंट लॉग आर की पावर एन का, यानी कि डेल लॉग आर की पावर एन का, और इसका मतलब होगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड और लॉग आर की पावर एन। ओके, जब इसको अंदर लेके जाएंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा लॉग आर की पावर एन का, प्लस जे कैप वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा लॉग आर की पावर एन का, प्लस के कैप जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा लॉग आर की पावर एन का, ठीक है भाई। अब लॉग आर की पावर एन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे भाई, लॉग का होता है वन अपॉन आर की पावर एन, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है, फिर आर की पावर एन का करो एन आर की पावर एन माइनस वन, और फिर आर का करो डेल आर अपॉन डेल एक्स, ऐसे ही दूसरे टर्म का हो जाएगा वन अपॉन आर की पावर एन इंटू एन आर की पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल वाई, ऐसे ही तीसरे टर्म का हो जाएगा वन अपॉन आर की पावर एन एन आर की पावर एन माइनस वन और डेल आर अपॉन डेल जेड। जो कॉमन आएगा कॉमन निकाल लेंगे भाई, कॉमन आएगा एन आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर की पावर एन, ठीक है। और अंदर हमारा बचेगा आई कैप डेल आर अपॉन डेल एक्स, प्लस जे कैप डेल आर अपॉन डेल वाई, प्लस के कैप डेल आर अपॉन डेल जेड, ठीक है जी। सबकी वैल्यू रख दीजिए, और यहाँ पे देखा जाए तो आर की पावर एन से आर की पावर एन कट जाएगा, ये कितना मिलेगा हमें एन अपॉन आर मिलेगा, और ये वैल्यू देगा आई कैप एक्स अपॉन आर, जे कैप वाई अपॉन आर, के कैप जेड अपॉन आर, ठीक है जी। आर से आर जब बाहर कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा एन आर स्क्वायर, अंदर बचेगा एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, है ना, और ये हो जाएगा एन अपॉन आर स्क्वायर, ओके। और वेक्टर आर जिसको आप कह सकते हो एन अपॉन आर और आर कैप, किसी भी तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ होगा भाई, या तो ये पूछा होगा या फिर देख लेते क्या पूछे आपको, हाँ एन वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर,
यही पूछा था, तो हमने वही प्रूफ किया है, एन वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से आर वाले फंक्शन का हम जब भी ग्रेडियंट निकालेंगे, जब भी आर वाला फंक्शन दिया होगा, सबसे पहले तो तीन इक्वेशन हम बना लेंगे हर क्वेश्चन में, क्योंकि इन तीन इक्वेशन का यूज होता है जब भी पोजिशन वैक्टर वाले क्वेश्चन हमें दिए होते हैं। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन तो ज़रूर बना लेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें आगे चलते हैं। और इन इक्वेशंस का चूंकि हम इसलिए बनाते हैं स्टार्टिंग में ही, इसका भी यूज होता है, इसका भी यूज होता है, और इन चारों ही चीज़ों का, ये जो चारों चीज़ मैंने बताई है, इन सब का यूज होता है, इसलिए इनको स्टार्टिंग में बना लेंगे और फिर जो प्रूफ करना है वो कर देंगे। इसमें ये वाला फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, जब डाइवर्जेंट कर्ल पढ़ेंगे आगे उसमें भी यूज होगा, है ना। तो ये टॉपिक था हमारा जिसमें हमने ग्रेडियंट फंक्शन का निकालना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी आपको दे देंगे, और फिर ग्रेडियंट का यूज है डायरेक्शनल डेरिवेटिव को निकालने में, ठीक है, किसी सरफेस के लिए, जो कि आपका इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसका पार्ट सेकंड होगा लेक्चर का। ओके,